आमिर ताबा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के इम्कानात हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान में जो इस तर्ज के कत्ल हुए उसमें भारत मुलव्वस रहा है। वफाकी वज़ीरे दाखिला मौसिन नकवी कहते हैं कि आमिर ताबा के केस में भी इसी तरह के शवाहिद मिले हैं। बहावल नगर जैसे वाकयात से कोई मोराल कम नहीं हो रहा। बहावल नगर वाकये को बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। इस वाकये पर पंजाब हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। राणा सनाउल्लाह के बयान पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। ओवर बिलिंग के खिलाफ भी मुहिम जारी है। बिजली चोरी रोकने के लिए हुकूमत पर अज़्म है। बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब की काविश हौसला अफजा है। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ की आला सतह के इजलास में गुफ्तगू, कहा दीगर सूबे भी बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम करें। ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम की हालत ठीक नहीं। बारिशों से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस है। बारिशों से मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए इकदाम किए जाएं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान फौरी पहुंचाया जाए। एनडीएम ए दीगर सूबों के साथ मिलकर जामे प्लान वजा करे। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर दोबारा समाअत। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी की तो शादी ही गैर कानूनी है। दौरान इद्दत शादी की तो कोई अहमियत ही नहीं। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि वकील रिजवान अब्बासी का मकसद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना है। गुज़श्ता दो समातों पर नहीं आए, आज कह रहे हैं कि दो हफ्ते मजीद मुलतवी कर दें। सिस्टम को इस्तेमाल किया गया, मजीद इस्तेमाल न होने दिया जाए। केस की समात 24 अप्रैल तक मुलतवी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें और जालाबारी। सूबे के दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पानी घरों में दाखिल, मुतादद घरों की दीवारें गिर गईं। अरनाई में बारिश के बाद सैलाबी रैले, मुल्क भर से जमीनी राबता मुनकता। पसनी में छत गिरने से मुतादद अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। बन्नू लकी मरवत चारसदा और मरदान समेत दीगर शहरों में नदी नाले भी भर गए। दरियाए काबुल और सबात में दरमियाने दर्जे का सैलाब। चारसदा में हजार एकड़ फसलें दरियाबर्द हो गईं। सबात और लोयर दीर में घरों की छतें गिरने से चार अफराद जांबहक। टांक में गाड़ी रैले में बह जाने से दो अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ईरान इसराइल कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। इजलास में इसराइल पर ईरानी हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गौर। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि मशरिक़े वुस्ता तबाही के दहाने पर है, वक्त आ चुका कशीदगी को कम और तहमुल का मुजाहरा किया जाए। गजा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इजलास में बरतानवी मंदूब ने कहा कि कशीदगी रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इसराइल का सलामती काउंसिल से ईरानी हमले की मुज़म्मत का मुतालबा। अमरीकी नायब मंदूब रॉबर्ट वुड ने कहा कि सलामती काउंसिल ईरान के जारहाना इकदाम की मुज़म्मत करे और ईरान और उसके शराकतदारों से हमले बंद कराए। साइफर के सुरेत के ढेले की तरह बह गया। हुकूमत को मान लेना चाहिए कि उनका निशाना सिर्फ बानी पीटीआई थे। पीटीआई रहनुमा उमर अय्यूब कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन इस केस से भाग रही है। ईद से एक दिन पहले प्रोसिक्यूटर ने अच्छी स्टेटमेंट दी तो इनको तब्दील कर दिया। बानी पीटीआई शाह महमूद परवेज इलाही बुशरा बीबी समेत तमाम क्यादत के केसेस में कुछ भी नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के छह जजेस ने जो खत लिखा है वो हमारे सिस्टम पर चार्जशीट है। हमारी तहरीक तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान का एक ही मकसद है कि आइनो कानून का तहफ्फुज़ हो। बतौर अपोजिशन लीडर बारहा कह चुका हूँ कि 9 मई की तहकीकात के लिए आजादाना कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ खुद तो कोई भलाई का काम न कर सकी, कोई और अच्छा काम करता है तो उस पर उनको तकलीफ होती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अजमा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोली के बैरिस्टर सैफ के पास अपने वज़ीर आला के इकदाम बताने के लिए नहीं, इसलिए वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद करते रहते हैं। पंजाब हुकूमत जून के महीने से एयर एम्बुलेंस को ऑपरेशनल कर देगी। मरियम नवाज ने मुकम्मल होमवर्क के बाद रोटी की कीमत 4 रुपए कम की है। नानबाई एसोसिएशन घर बैठकर ये नहीं कह सकते कि रोटी सस्ती नहीं करेंगे। गंदम और पेट्रोल का बहाना बनाकर रोटी महंगी की जाती है, आटा सस्ता होने पर अब कीमत भी नीचे लाना पड़ेगी।
اور پاک کی بھی ٹی ٹوینٹی سیریز بارش سے میچز متاثر ہونے کا خدشہ، راولپنڈی اور اسلام آباد میں حالیہ ہفتے بارشیں متوقع، قومی اسکواڈ کی آج شام سے تربیتی مشقیں شروع ہوں گی، آج کا سیشن بارش کے نظر ہونے کا امکان ہے، نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی اسلام آباد میں موجود، کیوی ٹیم کل سے ٹریننگ شروع کرے گی، شاہین آفریدی کی ابتدائی دو میچز میں شرکت مشکوک، راولپنڈی میں سیریز کے ابتدائی تین میچز شیڈیول، 18, 20 اور 21 اپریل کو میچز پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے، بقیہ دو میچز 25 اور 27 اپریل کو لاہور میں ہوں گے۔